डाउट है एंथैल्पी में, एक बार जरा रिवीजन कर लेते। आप लोग बोलते रहिएगा। इंटरनल एनर्जी की बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हमने एक देखा था। यू इज प्लस डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू देखा। अगर इस इक्वेशन में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर, यानी कि पार्ट के पीवी टर्म जीरो हो, U बराबर Q आ जाएगा, और इसको हम QV भी लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, QV भी लिखते हैं। कि यहाँ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को अगर आपने कोई हीट दिया है, वो हीट कहाँ जाता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है। ठीक है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाली कहानी है, आपने एक कंटेनर लिया है, उसमें पिस्टन लगाया है, कोई गैस भरी है, और आपने यहाँ पे क्या किया, स्टॉपर लगा दिया, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया। अब जैसे ही आपने स्टॉपर लगाया, क्या होगा, आप गैस को हीट करेंगे, गैस एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, यानी कि गैस कुछ वर्क नहीं कर पाएगा, उस हीट का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर उस हीट का कुछ इस्तेमाल नहीं करेगा, इन दैट सिचुएशन जो भी आप हीट दे रहे होंगे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगा। एक मिनट, थोड़ा मैं दरवाजा क्लोज कर दूं। आवाज थोड़ी तेज रहती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपने हीट दिया है, तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम को हीट दिया है और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो उस समय सिस्टम कुछ वर्क भी कर रहा होगा, यानी कि उस समय जो हीट देंगे आप सिस्टम को, वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में नहीं जाएगा, कुछ वर्क डन करने में भी जाएगा। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपने जो हीट दिया है, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। तो वो किस चीज के बराबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंथैल्पी कहेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने सिस्टम को कोई हीट दिया है, तो उसको इंथैल्पी कहेंगे। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जरा इसको एक और तरीके से समझ लीजिएगा, एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, कैसे जरा देखिएगा। आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा है। डेल्टा यू को हम यू टू माइनस यू वन लिख सकते हैं, ये क्यू है, प्लस डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा वी, यानी कि वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं, यानी कि P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो U2 माइनस U1 बराबर Q माइनस P V2 प्लस P V1, ओके, सबको उधर भेज दीजिए। तो U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस P V1, ये बराबर Q है। और ये जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन कह रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता, तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता। यानी कि ये जो इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दिया जाता है, उसको हम क्यूपी से डिनोट कर सकते हैं। सो इसको हम क्यूपी से डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अब देखिएगा, U2 प्लस PV2 एक साथ कीजिए, माइनस U1 प्लस PV1, दिस इज इक्वल्स टू QP। यहाँ पे देख रहे हैं ना, U प्लस PV स्टेट टू का, स्टेट टू के लिए एक फंक्शन आ गया, स्टेट वन के लिए एक फंक्शन आया है U प्लस PV1। बात समझ में आ रहा, इसी U प्लस PV को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 बराबर QP, या फिर
डेल्टा एच बराबर क्यू पी, समझ रहे हैं बात को, यानी कि यू प्लस पी वी एक नया टर्म आ गया, एच बराबर यू प्लस पी वी एक नया वेरिएबल आ गया, नया एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसी फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इंथैल्पी कह रहे हैं, दैट फंक्शन इज नोन एज इंथैल्पी। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपने सिस्टम को हीट दिया, तो जो भी हीट दिया दैट इज नोन एज, या सिस्टम ने जो भी एनर्जी रिलीज की आफ्टर वर्क डन करने के बाद, सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी मान लीजिए 100 की खर्च की थी लेकिन उसमें से 20 चला गया वर्क डन करने में, तो हमें कितनी मिली, 80 मिली, तो जो 80 मिला दैट इज इंथैल्पी ऑफ दैट प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है, इंथैल्पी की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिएगा जरा। तो ये कहानी है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने सिस्टम को कुछ हीट दिया है या सिस्टम ने कुछ हीट रिलीज किया है, जितना रिलीज किया है नेट, जितना हमें दिख रहा है जो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, सिस्टम ने कितना निकाला है हमें उससे नहीं मतलब है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम ने कुछ इंटरनल एनर्जी हो सकता है ज्यादा खर्च की हो सकता है कम खर्च की हो, लेकिन हमें कितना दिख रहा है वो आफ्टर वर्क डन, आफ्टर सब कुछ करने के बाद, दैट इज एंथैल्पी। और ये हमारे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि हमें इसी से तो मतलब है कि नहीं, हमें इंटरनल एनर्जी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है ना, कोई रिएक्शन किया तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी बताइएगा, और जब भी कोई रिएक्शन करते हैं आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, आपको इससे मतलब है, बात समझ में आ रहा। जब भी कोई रिएक्शंस लिखते हैं आप तो उसके लिए डेल्टा एच लिखते हैं, क्यों डेल्टा एच लिखते हैं, क्योंकि आपको उससे मतलब है कि आपको कितना मिला, सिस्टम ने अपने अंदर से कितना निकाला उससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने अपने अंदर से अगर एनर्जी कुछ निकाली तो उसका कुछ पार्ट वर्क डन करने में भी गया है, बताइएगा, ठीक है, क्लियर है, इंथैल्पी समझ में आ रही है, yes, sir, clear. Okay, okay. यानी कि एक नया टर्म आ गया है ये एच बराबर यू प्लस पी वी, या फिर इसी में हम डी कर दें, डी लगा दें, डिफ्रेंशिएट कर दें कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो डी एच बराबर डी यू प्लस, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है प्रेशर बाहर निकल जाएगा, पी डी वी, ये टर्म आएगा डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये इसको हम कहते हैं इंथैल्पी, ठीक है। इसको मैंने एक सीधे से एग्जांपल से समझाया था कि आपका भाई है, आप 100 रुपये का पेन लेने जाते हैं, 100 रुपये की कॉपी लेने जाते हैं, उसने कहा कि भैया 100 रुपये की कॉपी मैं क्यों लाऊं, मैं 10 रुपये का समोसा खाऊंगा, तो आपने 100 रुपये खर्च किए लेकिन उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो बढ़ी वो 90 की ही बढ़ी, बाकी 10 वर्क डन करने में गया, ठीक है, तो जो 100 आपने खर्च किए, ठीक है, वो 100 रुपये इंथैल्पी के थे, बात समझ में आया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पापा ने छोटे भाई को दिया 100 रुपये, ठीक है, पापा ने छोटे भाई को दिया 100 रुपये कि भैया दे देना उसको, छोटा भाई ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, कहा कि यार 100 रुपये दे दूं, कुछ कट अपना रख लेता हूं इसमें, तो उसने कुछ कट रख लिया बाकी आपको दे दिया, तो पापा की इंटरनल एनर्जी तो 100 रुपये कम हो गई लेकिन आपको जो मिला है आप पे, आप जो काम करेंगे वो 90 रुपये का ही करेंगे या 80 रुपये का ही करेंगे, तो 80 रुपये क्या है आपके लिए, इंथैल्पी है, बात समझ में आ रहा है। इसको दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और ये इट इज हीट गिवन और रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि, या फिर इसको लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम, ये भी लिख सकते हैं, बार बार ये ना लिखना पड़े, अच्छा इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, तो एक काम करता हूँ, गिवन और रिलीज्ड की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सचेंज्ड, दोनों ठीक है, गिवन या रिलीज्ड को एक साथ एक ही वर्ड से अगर समझाना हो तो एक्सचेंज, इट इज हीट एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज ऑल्सो नोन एज हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। अच्छा, अब एक समस्या होती है आपको, एक बहुत भयंकर वाला डाउट बनता है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर वाला, समझिएगा,
आपने जब इंथैल्पी की बात की तो आपने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। अब आप इसका थोड़ा सा दूसरा मतलब निकालते हैं। दूसरा मतलब क्या निकालते हैं कि इंथैल्पी तभी डिफाइन होगी जब कोई भी सिस्टम, कोई भी आप ये कर रहे होंगे, कोई भी रिएक्शन कर रहे होंगे जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसी के लिए इंथैल्पी डिफाइन होगी। समझिएगा जरा कंफ्यूजन क्या होता है आपको, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और ये बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं, इवन बताने के बाद भी पूछते हैं, तो सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा डाउट आपके मन में आता है कि अच्छा इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे है, यानी कि इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही डिफाइन है। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा तभी उसके लिए इंथैल्पी की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर तो एक कंडीशन है जिसपे इंथैल्पी को डिफाइन किया गया है। इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इंथैल्पी एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी भी इंथैल्पी डिपेंड करेगी, लेकिन उन दैट केस, इस केस में इंथैल्पी जो होगी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फोन आ रहा है,
जहां गेस्ट बनकर आए हैं हाँ हेलो हेलो। चलिए तो समझ रहे हैं ना आपको डाउट क्या होता है। मैं क्या बताना चाह रहा था कि इंथैल्पी को डिफाइन करते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस होगा तभी उसके लिए आप इंथैल्पी निकाल पाएंगे। इंथैल्पी आप किसी भी प्रोसेस के लिए किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे कांस्टेंट टेम्परेचर हो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो। बात समझ में आ रहा है? डिफाइन जो हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ। इज इट क्लियर? बोलिएगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? क्या कंफ्यूजन क्या होता है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं आप कि सर आपने इंथैल्पी को कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन किया था, मतलब अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा तभी उसके लिए हम इंथैल्पी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हर केस में हम इंथैल्पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डिफाइन हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? ओके। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एच बराबर यू प्लस पी वी होता है। अब जब यू ही नहीं निकाल सकते हैं आप एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एच की एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते हैं। हीट का सिस्टम का हीट कंटेंट, सिस्टम अगर अपने मन से कोई काम कर रहा है, आप हमेशा चेंज की बात करेंगे ना। आपने 100 रुपया दिया तो 100 रुपया वो चेंज आया, उससे पहले कितना था आपके पास उसकी बात थोड़े कर रहा है कि नहीं? हमने उसकी बात की ही नहीं कि आपके पास पहले से कितना था, है कि नहीं? एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हम नहीं निकाल सकते हैं, ना तो इंथैल्पी की, ना तो और किसी भी सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक टर्म की आएगी। इंथैल्पी आती है, इंटरनल एनर्जी आती है, एंट्रोपी आती है, गिब्स फ्री एनर्जी आती है, किसी की भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इज इट क्लियर? चलिए, डेल्टा एच बराबर फाइनल माइनस इनिशियल यू होता है, और किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होता है प्रोडक्ट की इंथैल्पी का सम माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी का सम, ये होता है। जैसे यहाँ पे ये एक रिएक्शन है, तो यहाँ ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन यू भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। वही मैं कंडीशन की बात कर रहा था, कंडीशन फॉर विच डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई गैसियस कंपोनेंट इन्वॉल्व ही ना हो तो वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम में चेंज होगा नहीं तो ये डेल्टा वी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। इन दैट केस डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी आप इंथैल्पी की बात कर रहे हैं। और दूसरा सिस्टम देखिएगा, यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है क्या इस कंडीशन में? दूसरा जो मैंने बताया था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा वी कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी आप इंथैल्पी निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, बताइएगा। जी सर। निकालते हैं, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी आप इंथैल्पी निकालते हैं। ठीक है। द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन क्लोज वेसल देन आल्सो, लेकिन उस समय डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन कब है जब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा? जब मोल्स में कोई चेंज ना हो, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? और जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में, पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी को हम डेल्टा एनजीआरटी कह सकते हैं, यानी कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है गैसियस रिएक्शन, उसके लिए
डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर डी करने वाले नॉट इक्वल्स, तो इसके लिए ये कंडीशन बताया था डेल्टा एन जी जीरो ना हो तो नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर, ये हमने कल का रिविजन कराया, अब हम इस पर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करेंगे सो दैट चीजें हमको समझ में आए, ओके। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बड़ा ही एक मजेदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी थोड़ी सी आंखें खोलेगा, ठीक है। इफ क्वेश्चन ये है, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, वाटर वेपर को परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस मान रहा है, ठीक है। मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट वन बार, ठीक है, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन, पहला वन मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट वन बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा है वन मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, दो कंडीशन। हाँ जरा देखना क्वेश्चन को देखना, फिर मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा, कोई बहुत ऐसा नहीं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा है वाटर वेपर को मान रहे हैं परफेक्ट गैस है, कह रहा है मोलर इंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच, ठीक है, वाटर गैस के लिए जो डेल्टा एच कह रहा है वो कितना है 41 किलो जूल पर मोल। तो कह रहा है अगर वाटर को वन बार प्रेशर पे ही दिया गया, और वन बार प्रेशर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर को वेपराइज कर दिया गया तो उस समय इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, डेल्टा एच पता है आपको, और यहाँ पे कह रहा है आप ये अज्यूम कीजिए कि वाटर वेपर जो है वो परफेक्ट गैस है, जरा ट्राई करेंगे आप लोग या मैं बता दूं सीधे सीधे, बोलिएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर रहे हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं बताऊं, बोलिए भाई कुछ। सूरज? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ क्या करना है? नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए आप,
फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डेल्टा एच पता है, डेल्टा एन जी आर टी निकालिए, वहां से डेल्टा यू निकल जाएगा। बोलिएगा बोलिए क्या हो गया भाई, शांत क्यों है, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है क्या? साइली यस सर आ रहा है? हाँ सर ओके, हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन हो रहा है? हाँ ओके। अरबाज हाँ सर हो रहा है बेटा ये वाला? हाँ सर। तन्वी यस सर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, एंथैल्पी समझ में आया है कि नहीं? सर ये वाला क्वेश्चन हो पा रहा है? हाँ सर ओके ओके। अदिति यस सर क्या ठीक है? हाँ सर समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ सर आ गया। ओके कीजिए जरा, कीजिए जरा। मैं करूं? देखिएगा, कह रहा है एक मोल वाटर वेपर को, वन मोल ऑफ वाटर, तो आपने वाटर को वन मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो डेल्टा एन जी कितना होगा ये बता दीजिए जरा। डेल्टा एन जी क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस स्टेट। तो प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल्स हैं? एक। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स हैं? एक। रिएक्टेंट में गैसियस स्टेट के कितने मोल्स हैं? कितने हैं सूरज? एक। रिएक्टेंट साइड में जीरो। गैसियस स्टेट में, एनजी का मतलब क्या होता है? गैसियस स्टेट में देखना है, तो प्रोडक्ट साइड में एक मोल गैस तो दिख रहा है, ये तो लिक्विड है भाई। हाँ सर, रिएक्टेंट में जीरो होगा। रिएक्टेंट साइड में जीरो होगा, समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल्स जीरो होंगे। भाई सोचिए ना, आप जरा सोचिए, आपने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में पिस्टन लगाया, पिस्टन लगा, प्रेशर कांस्टेंट है वन बार, और आपने यहाँ पे कुछ वाटर वाटर ले लिया, 18 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है। अब जब हीट करेंगे इसको, वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि सिस्टम पिस्टन ऊपर जाएगा। यानी कि जब आप जो भी हीट दे रहे हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें से कुछ हीट एक्सपेंशन में चला जाएगा, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा क्या? नहीं नहीं जाएगा।
कुछ हीट कहाँ चला जाएगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा और कुछ एक्सपेंशन में यानी कि वर्क करने में चला जाएगा। अब वर्क करने में कितना गया वही निकालना है आपको, क्योंकि डेल्टा एच तो पता है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो वर्क में कितना गया, तो वर्क करने में कितना जाएगा, एक मोल गैस है ओके। वो एक मोल गैस बनेगा जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, एक मोल वेपर्स जब बनेंगे तो वही एक मोल एक्सपेंशन करेंगे, और उसके लिए जो वर्क डन हमने निकाला था डेल्टा एन जी आर टी के बराबर निकाला था कि नहीं निकाला था सर? स्लाइड बड़ी कीजिए। स्लाइड बड़ी करें? बड़ी तो किया है मैंने, आप लोग को स्लाइड बड़ी नहीं दिख रही है क्या? नहीं सर। अभी स्लाइड मैंने फुल किया है बेटा, सर डिफॉल्ट व्यू में दिख रहा है। एक बार फिर से शेयर करते हैं। अभी बताइए बेटा। हाँ सर कट करके फिर से किया। चलिए तो जो आप वर्क डन करेंगे वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। बात समझ में आया? हाँ सर। अब डेल्टा एन जी कितना है, एक है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.31 और T कितना है 100 यानी कि 373 है कि नहीं, यानी कि इतना जूल वर्क डन करने में चला गया। तो आपने फॉर्मूला है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि यहाँ से डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 41 किलो जूल माइनस डेल्टा एन जी की एन जी आर टी की वैल्यू कितनी है 8.31 इंटू 373 जूल है ये, तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। बोलिएगा कितना किलो जूल पर मोल, बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? शुरू में दिक्कत होगी बेटा, परेशान मत होइएगा, थर्मोडायनेमिक्स में परेशानी होती है, ठीक है? बहुत चैप्टर बढ़िया वाला चैप्टर है ये, बढ़िया वाला चैप्टर क्यों है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा जब क्वेश्चन बनते हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी दो तीन कॉन्सेप्ट मिलाया जाएगा आपको समस्याएँ होंगी, ओके? दो तीन चैप्टर्स हैं जिसमें समस्याएं होती हैं, लाइक एक आयनिक इक्विलिब्रियम था, दूसरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, तीसरा एक चैप्टर आपका आएगा इलेक्ट्रो, उसमें भी दिक्कतें होंगी, और एक जो टाइट्रेशन वाला पढ़ाया था मैंने उसमें दिक्कतें होती हैं। ये चार चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ाते हैं, बाकी सारे चैप्टर तो आपको आपको भी लगे होंगे आसान लगे होंगे, बताइएगा। हाँ सर। है ना, तो कहने का मतलब ये चार चैप्टर थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं बेटा, तो बस होप मत कोइएगा, सबको नहीं समझ में आता है, सबको दिक्कत होती है, आराम से चलेंगे हम, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तुरंत डिस्कस कीजिए उसको, ओके? तो ये इतना किलो जूल इसकी इंटरनल एनर्जी आएगी, बताइएगा समझ में आया? यस सर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है वन मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, वाटर को आइस में कन्वर्ट किया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है वाटर को आइस में कन्वर्ट किया गया है, आइस होता है सॉलिड, वाटर होता है लिक्विड, डेल्टा एन जी की वैल्यू इस प्रोसेस में कितनी है, बोलिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है इस प्रोसेस में? जीरो होनी चाहिए ना? जीरो है। हाँ। गैसियस स्टेट में तो कुछ है ही नहीं है, ना तो रिएक्टेंट साइड में है ना तो प्रोडक्ट साइड में है,
तो प्रोडक्ट भी जीरो, रिएक्टेंट भी जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, यानी कि इस प्रोसेस में डेल्टा एच जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू यानी कि इस प्रोसेस में डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 41 किलो जूल पर मोल। बताइएगा, समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट 298 केल्विन। अब एक काम कीजिए, थोड़ा आसान कर देता हूँ, 300 केल्विन कर देता, ठीक है? ये निकालना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है रिएक्शन लिखना, कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कैसे बनाएंगे? कार्बन लेंगे और आधा मोल ऑक्सीजन लेंगे। बोलिएगा, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होता है, कार्बन किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, जरा बता दीजिए। तो सर हाफ होगी। हाफ होगी, बिल्कुल। इसको नहीं लेंगे कार्बन को, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, तो प्रोडक्ट में एक मोल है, रिएक्टेंट में आधे मोल है, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हाफ है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि वो पूछ रहा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू, तो वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। डेल्टा एन जी की वैल्यू हाफ है, आर की वैल्यू बताइए आपको 8.31 और टी की वैल्यू 300 रख दीजिए। चल गया, बोलिएगा, ठीक है? बोलिए, समझ में आ रही है चीजें धीरे धीरे? यस सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। वैष्णवी ठीक है, बोला कीजिए भाई। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब इंथैल्पी होता है। मैंने बताया था आपको इंथैल्पी को हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? हीट ऑफ रिएक्शन एट, अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2C6H6 प्लस 15O2 गिव 12CO2 प्लस 6H2O। H2O लिक्विड स्टेट में है, CO2 गैसीय स्टेट में, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है। बेंजीन क्या होता है, पता है किसी को? बेंजीन क्या होता है? लिक्विड सॉलिड गैस। बोलिए भाई, पता है किसी को? क्या बात है, बेंजीन बेटा एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड। ये मैंने क्या कहा सूरज? बेंजीन को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल, लिक्विड, लिक्विड। बड़ा ही खतरनाक सॉल्वेंट होता है बेटा बेंजीन, ठीक है? मींस कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग भी होता है। ज़्यादा बेंजीन आप इनहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बड़ा ही परेशान करता है, बहुत ही तीखी स्मेल होती है इसकी, बहुत ही तीखी स्मेल होती है, ठीक? तो ये है, ठीक है?
ये रिएक्शन है, कह रहा है डिफरेंस बताना है, बताइए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? बोलिएगा इसका क्या मतलब है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है बताइए। इंथैल्पी इज व्हाट, हीट गिवन या हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा वो किसके बराबर होगा, इंथैल्पी के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। यानी कि अगेन वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, सीधा सीधा नहीं कह रहा है, घुमा दिया है इसमें। चलिए जरा बता दीजिए तो जल्दी से बता दीजिए, यस सर, 7.429 के आसपास आते हैं। ठीक है, आसपास है, बाकी लोग जरा बताएंगे। सर 7.429, चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, -7.43 +7.43 +3.72 -3.7 सर माइनस होगा निकाला, मतलब ये माइनस आया है ना? यस सर। हाँ सर माइनस आता है, जरूर बोलना है, मतलब उसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला है, माइनस के बिना। बात समझ में आ रहा है? डेल्टा एनजी नेगेटिव आता है, 12-15 नेगेटिव आता है। हाँ यस, हो गया सबका, हुआ बोलिएगा, बोलिएगा भाई। बोलिए जरा,
चलिए मैं करता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये बेसिकली डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है और वो डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, ये तो लिक्विड है, ये 12 है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितना है 15 है, ये आ जाएगा माइनस 3, यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस 3। आर की वैल्यू क्या है 8.31 और टी की वैल्यू क्या होगी 25, यानी कि 298, 300 मान लेते हैं। चलिए तो ये जो आप निकाल लिए वो आएगा आंसर, है ना, क्लियर है? ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करो, देखिए तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कीजिएगा, क्या कह रहे हैं। एक्स ग्राम ऑफ इथेनल, इथेनल क्या होता है, नेमिंग तो पढ़ाई है, इथेनल क्या होता है सर? वो लिक्विड होता है, इथेनल लिक्विड होता है। ओके, होता क्या है, कंपाउंड कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O, C2H4O CH3CHO, अगर ये कहिए, ठीक है, C2H4O, ठीक है, CH3CHO। अल कब लगाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए, तो कार्बन के लिए एथ और एल्डिहाइड है तो उसके लिए अल, CH3CHO, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है ना। हाँ सर। इसका रिएक्शन आप इसको कंबशन करा रहे हैं, कंबशन का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और जब भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस H2O, हाइड्रोकार्बन, या उसमें अगर ऑक्सीजन भी है उसको कभी भी आप बर्न करें तो हमेशा CO2 और H2O मिलता है। बैलेंस कर लीजिए इसको और जरा बताइए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन करेक्ट है,
हो रहा है भाई? बोलिएगा, रिएक्शन बैलेंस किया, 2 CO2 निकलेगा, दो कार्बन है तो 2 CO2 और हाइड्रोजन 4 हैं, 2H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 4, 2, 6 हैं और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5/2 होगा। तो यहाँ से ये गैसियस स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये लिक्विड में। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - 2.5, यानी कि नेगेटिव में 0.5 आएगी, है ना? बोलिएगा बेटा। यस सर। कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इज वाई जूल बॉम्ब कैलोरी मीटर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बॉम्ब कैलोरी मीटर, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे कैसा होता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूँ, बॉम्ब क्या होता है? तो एक्चुअली क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर आप किसी भी सब्सटेंस को रख के उसको हीट करते हैं, और ये पूरा पैक्ड होता है, सील्ड पैक्ड होता है, थर्मा इसकी वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं, यानी कि हीट कोई बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। इसको हम बॉम्ब कहते हैं, दिस इज नोन एज बॉम्ब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन रिएक्शन कराया जाता है, जनरली कंबशन कराया जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉम्ब, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस कंटेनर में आपने CH3CHO और ऑक्सीजन को रख के बर्न किया है। अब बताइए कि जो वाई जूल है ये क्या है? वाई जूल इंथैल्पी है कि इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है कि चेंज इन इंथैल्पी है, पहले तो ये बताइए, बोलिएगा, बोलिए क्या लग रहा है आपको, बोलिएगा क्या लग रहा है, बोलिएगा, बोलिए बेटा। वाई जूल हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है? कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम है कांस्टेंट, बिल्कुल भैया, ये क्लोज कंटेनर है, कंटेनर क्लोज है, और अगर कंटेनर क्लोज है तो जो हीट रिलीज हो रही होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलीज हो रही होगी, है कि नहीं? यानी कि जो वाई की वैल्यू है, वाई इज हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब हीट निकलता है तो वो नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस वाई होगा, हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस वाई होगा, और हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेल्टा यू कहते हैं। अब यहाँ पे एक गलती करेंगे आप लिख देंगे सीधे सीधे, क्योंकि हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज वाई है, इसलिए रिएक्शन का डेल्टा यू भी वाई होगा, और ऑप्शन तुरंत आप टिक करेंगे, कौन सा वाला? पी वाला। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर लेते हैं, इन दैट केस जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? बोलिए भाई, हाँ ना कुछ तो बोला कीजिए भाई। हाँ सर, हाँ यस सर, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में कभी भी हीट रिलीज होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलीज होगी। अब आप गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि भैया ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज हुई,
तो वो माइनस वाई के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा यू बराबर माइनस वाई जूल होगा। तुरंत पिक करेंगे आप क्वेश्चन को बिना पढ़े। ये एक्स ग्राम इथेनल के लिए है। कभी भी बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, पर मोल में बात करते हैं, जूल पर मोल में। तो एक मोल के लिए कितना होगा? इथेनल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 12 × 24 = 54 है। यानी कि एक्स ग्राम अगर आपने इथेनल लिया है तो माइनस वाई एनर्जी रिलीज हुई है। 44 ग्राम लिया होता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती? माइनस 44y डिवाइड बाई एक्स, है कि नहीं, जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हुई होती। यानी कि डेल्टा यू कंबशन हो रहा है और उसके लिए माइनस 44y बाई एक्स है। यानी कि इसका बी आंसर करेक्ट नहीं है, इसका सी आंसर करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हाँ सर। क्या आया? कभी भी आप बात करते हैं तो पर मोल में बात करते हैं। जूल क्या होता है? जूल तो कुछ होता ही नहीं है। और वो इंथैल्पी नहीं होगी, वो इंटरनल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि बॉम्ब कैलोरी मीटर में किया है आपने। बॉम्ब कैलोरी मीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चल के हम बॉम्ब कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे भी थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। क्वेश्चन करें, चलिए आज का दिन क्वेश्चन में ही बिताएंगे हम लोग। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है? ये सब बातें थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आ रही है अभी, तो जानिएगा इस बात को। देखिएगा भैया इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये एडिटिव नेचर का होता है, है कि नहीं? बस काम हो गया आपका। ए प्लस टू बी रिएक्शन चाहिए आपको, क्या करेंगे? ए गिव्स टू बी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलिए। बोलिए जरा।
बोल नहीं रहे हैं भाई आप लोग, एकदम मिट्टा हो जा रहा है माहौल। ओ बताइए बेटा क्या होगा? ओम हाँ सर नहीं आ रहा है? हाँ सर। कल क्लास में नहीं थे सर, एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गया था सर? लैंडस्लाइड हो गई थी इसलिए 4-5 दिन के लिए नहीं है लेक्चर किया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ पे हैं भाई आप? सर गांव में। गांव में मतलब कौन सा गांव है, कहाँ पे है? कोयना नगर। कोयना नगर, कोयना नगर सुना है, बड़ा अच्छा जगह है भाई। सर सब जगह लैंडस्लाइड हो गई थी सर, जब लगभग 6 दिन के लिए लाइट और नहीं थी। 6 दिन के लिए लाइट था ही नहीं एकदम? हाँ सर। अरे बाप रे बाप, कुछ लोग भी शायद मारे गए थे क्या? हाँ सर, लगभग 12। अरे रे, 12 से 14 तक। तो बारिश भी तो बड़ी खतरनाक हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है क्या उधर? सर मैं अब करड़ में हूँ, कल यहाँ आया। अच्छा कल आ गए, अभी भी लाइट उधर गई है? करड़ में है लाइट? नहीं 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 उधर अभी भी लाइट। हाँ अब आ गई है। अच्छा अब आ गई है, ओके। सर इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कोयना नगर घूमने के लिए अच्छी जगह है क्या? सर अब नहीं रही। क्यों? बहुत जगह लैंडस्लाइड हो गई है। नहीं मतलब ठीक है, मान लीजिए वो सारे डेब्रीज को हटा लिए जाए अगर, तो जगह अच्छी है क्या घूमने के लिए? हाँ अच्छी है। अच्छा क्या क्या है घूमने के लिए वहाँ पे? सर कोयना डैम है, ओजार्टे वाटरफॉल है। अच्छा लेकिन अभी जाना खतरनाक है? अभी जाने खतरनाक है। कब जाया जाए घूमने के लिए? कहने का मतलब आप कब अपने घर पे बुला रहे हैं हमको खाने वाने पे? सर समर में आपको। अच्छा समर में। हाँ ओके, समर में कैसा मौसम रहता है वहाँ पे? गर्मी तो नहीं रहती है? रहती है, थोड़ी थोड़ी रहती है। अच्छा लेकिन समर में जाने लायक होता है? हाँ। ऐसा क्यों? वाटरफॉल नहीं होता वही? तो वाटरफॉल में ही तो मजा आता है ना, मजा तो इसी में है। अभी खतरा है उधर। खतरा है नहीं, लेकिन हमें लग रहा है 1-2 महीने बाद जब बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी तब क्या ठीक रहेगा क्या जाना? चलेगा चलेगा सर, तब चलेगा। चलिए फिर ठीक है, आपके घर आएंगे हम लोग। आइए सर। सूरज ने बताया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा सूरज? सर ए वाला। ए वाला ओके, और किसी का कोई जवाब आया? सर मेरा सी आया है। आपका हाँ सी मेरा भी आया है। कि आपका भी आया है, आदित्य का भी सी आया है। सी सी आ रहा है, ओके। कई लोगों का सी आ रहा है भाई। पहली क्या आया? सी। आप लोगों ने कसम खाया है क्या कि जब सर बोलेंगे तभी बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोलेंगे? मतलब कुछ मौन रहने की कसम वसम खाई है क्या आप लोगों ने? क्यों साहिली? नहीं सर। हाँ जब तक आईआईटी नहीं होगा और तब तक हम लोग मौन रहेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है तो पहले से बता दीजिए भाई, हमें कंफ्यूजन ना हो। बोलिए साहिली। नो सर। ऐसा कोई कसम वसम तो नहीं है ना? नहीं। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तन्वी? तन्वी ने लग रहा है ये ऐसी कसम खाई है। नहीं सर। ऐसा नहीं खाया है कुछ कसम? अरे नो सर। लगता तो है आप लोग जिस हिसाब से शांत रहते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है। अरबाज ने तो जरूर खाई होगी तो भाई, अरबाज है कि नहीं? नहीं सर। नहीं है अरबाज, क्या हो गया? अच्छा अरबाज है। अच्छा खाई नहीं है, कसम नहीं खाई है।
अच्छा प्रेजेंट है ओके मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने मतलब कसम खाया है। नहीं अच्छी बात है, मतलब शांत रहना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग यार गजब शांत रहते हैं। मतलब जनरली एज अ टीचर हम चाहते हैं कि बच्चे शांत रहे यार, थोड़ा क्लास में माहौल रहे पढ़ाने का। आप लोग की क्लास में माहौल तो है पढ़ाने का, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग, लेकिन गजब शांत रहते हैं आप लोग, मानना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है चलिए ओके, तो आगे बात करते हैं। अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस टू बी प्रोसीड वाया सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इस तरह के स्टेप्स हैं, और कह रहा है हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ए प्लस टू बी चाहिए आपको। ए प्लस टू बी के लिए पहले रिएक्शन में कुछ करना पड़ेगा? नहीं। दूसरे रिएक्शन में कुछ करना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तीसरे रिएक्शन में करना पड़ेगा? हाँ, इसमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि डेल्टा एच एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इस दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रिएक्शन का 2Q3 हो जाएगा, है ना। और सीधे सीधे जोड़ देना है, मुझे लग रहा है आपको मिल जाएगा। इन तीनों स्टेप्स को जोड़ दीजिए, चौथा आपको ए प्लस टू भी मिल जाएगा। क्यों भाई सूरज? सूरज यस सर, समझ में आया? इस पूरे को जोड़ दीजिए, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ए गिव टू बी आ गया। बोलिएगा सूरज। यस सर। ठीक है, मतलब तीनों को जोड़ना ही है। इसके लिए Q1 है, इसके लिए Q2 है, और इसके लिए 2Q3 है। तो इसका क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3, यानी कि कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलिएगा जरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन आज के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। नेक्स्ट क्लास के लिए ये बना लो। What is the value of delta U for reversible isothermal evaporation of 90 gram of water? ये वही कहानी है जो पहले किया था हमने, इस तरह का क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है? Delta H is equals to क्या लगाएंगे? Delta H is equals to delta U plus
डेल्टा एन जी आर टी 90 ग्राम पानी है, यानी कि कितना मोल पानी है, 5 मोल पानी है। डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 540 कैलोरी है, माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू है 5 इंटू आर की वैल्यू 2 रख दीजिए कैलोरी में, और टी 100 यानी कि 373 रख दीजिए। बोलिएगा ये कैलोरी पर ग्राम में है। ओके ओके, कैलोरी पर मोल में चाहिए हमें। कैलोरी पर मोल में निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच कैलोरी पर ग्राम में है बेटा, ये डेल्टा एन जी यानी कि पर मोल यूज कर रहा है, तो ये भी पर मोल में होना चाहिए। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वाटर के लिए। बोलिएगा समझ में आया। हाँ सर। तो आएगा किस में आएगा, कैलोरी पर मोल में आएगा, है ना। बोलिएगा जरा, ठीक है। हाँ सर। समझ में आ गया, कुछ कुछ रिएक्शन अब समझ में आ रहे होंगे। एक ही डेल्टा एच निकालने के लिए फिलहाल अभी एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक और फॉर्मूला होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन वो हीट कैपेसिटी में आएगा। फिलहाल डेल्टा एच निकालने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। उसी को बार बार घुमा रहा है, उसी में बार बार घूम रहे हैं। तो भाई बताइएगा ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर दें भाई जरा हम। ये आ जाएगा 18 × 540 9720 माइनस 3370 माइनस 3370 6350 आएगा, 6350 यानी कि 6.35 × 10⁻³ कैलोरी। एक ऑप्शन बी भी है 6 × 10⁻³, लेकिन मुझे लगता है कि गलत ऑप्शन होना चाहिए वो। क्यों भाई बताइएगा जरा, बोलिएगा जरा। सर टेम्परेचर, टेम्परेचर रखा है ना, तो 373 होना चाहिए ना, 337 रख दिया मैंने। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम, इसको सॉल्व कर लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल इवेपोरेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्रीज अज्यूमिंग। ये पहली बात तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि कैलोरी पर मोल में है या कैलोरी पर ग्राम में है, ये एक बड़ी समस्या है इस क्वेश्चन की। हम कैलोरी पर ग्राम में बातें कर रहे हैं, है ना, हम जो भी बातें कर रहे हैं कैलोरी पर ग्राम में बात कर रहे हैं, ग्राम में बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, आपने मोल में कन्वर्ट किया। मोल में, मोल में, मोल में बातें कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं हमने मोल में करना है। तो ये आ जाएगा 3730, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9720 माइनस 7730 वैल्यू दो होती है 3740 5990 आ रहा है ये आंसर यहाँ पे, है ना, क्या रहा है। अच्छा 90 ग्राम पानी है ना, तो ये 90 ग्राम के लिए इस्तेमाल करेंगे ना हम, ये 90 ग्राम के लिए यूज किया है, तो ये भी तो 90 मोल यानी कि 5 मोल के लिए निकालेंगे, 1 मोल के लिए क्यों निकाल रहे हैं, 5 मोल के लिए निकालेंगे ना। क्यों भाई बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाहता हूँ। गड़बड़ियां हो गई भाई, पर ग्राम
कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो 90 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 90 × 540, 90 ग्राम के लिए है ये, माइनस क्या जाएगा 373 क्या जाएगा 3730, इसको सॉल्व कर लीजिए 90 × 540 है कि नहीं, बोलिएगा निकाल लेंगे ना यहाँ से, यहाँ से निकाल लीजिएगा ठीक है, क्लियर है, ओके निकाल लेंगे भाई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हीट कैपेसिटी की बात करने वाले हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।